हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी अबोहर। माय नेम इज मोहित गर्ग। आई वेलकम यू ऑल दी ऑनलाइन लेक्चर। अवर लेक्चर ऑफ स्टूडेंट टुडे इज नंबर सेकंड, व्हिच इज फ्रॉम द चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल और क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। दी स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट इन दिस लेक्चर। दे विल स्टडी इन दिस लेक्चर एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फार्मूला। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 1। देखो बेटे सॉल्यूशन, ये तीन पार्ट्स दिए हुए हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + e की पावर x dx। अब देखो दो फंक्शन आ गए, इन दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन को हम अलग अलग करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx अलग कर लेते हैं और e की पावर x की इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। ठीक है बेटे, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर लिख लेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, पावर प्लस कर देते हैं 2+1, फिर अपॉन में 2+1, फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे एक्स का। एक्स डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो इंटू में 1 करेंगे, वो लगाओ चैनल लगाओ। ठीक है, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c आपने लगाना ही लगाना है। तो अब इसको सोल्व कर दो तो ये बनेगा 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट करते हैं, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। देखो बेटे सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। पहले अब a के माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x बनेगा, फिर प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x, फिर -2ab, √x से √x कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा माइनस का 2। ठीक है बेटे, अब इन सभी की इंटीग्रेशन को अब अलग अलग करके लिखेंगे, ये बनेगा एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx -2, बाहर ले लेते हैं 1 dx। ठीक है बेटे, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो x 1 प्लस कर देंगे तो 2 पावर में अपॉन में 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, मैंने कल आपको बताया था -2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c, आपने लगाना ही लगाना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x। इन सभी की इंटीग्रेशन को हम अलग अलग करके लिखेंगे। देखो बेटे थर्ड पार्ट आपको गिवन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x इंटू में dx। इन सभी की इंटीग्रेशन अलग कर लो, x पावर 2/3 dx प्लस 2 बार लिख लेता हूँ, e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx। अभी को सोल्व करो तो ये क्या बनेगा, 2/3 प्लस 1, ये बनेगा 3+2 5/3, तो नीचे 5/3 लिख रहा हूँ, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c, आपने लगाना है। अब इसको सोल्व कर दो, इसे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 3/5, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3/5 एक्स पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c, ये आपके पास क्या रहेगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था फर्स्ट नंबर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। देखो बेटे एग्जांपल नंबर 2, बेटे ये जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकते हैं। देखो बेटे क्या कहता है, x² + 8 का होल स्क्वायर बाई x की पावर 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो लिखो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ a + b का होल स्क्वायर फॉर्म लगाओ, क्या फॉर्म होता है, a² + b² + 2ab, तो 2 × 8 = 16 x² बन जाएगा अपॉन में x की पावर 4 dx। आप सबको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो कैसे लिखोगे, x² / x² dx प्लस 64 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लेता हूँ, ये बनेगा 1 / x² dx प्लस 16 कॉमन है, इसको बाहर लिख लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं x² / x² dx।
इसको कैंसिल कर दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इधर बना वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, वो एक्स होता है प्लस 64, वन बाई एक्स पावर फोर। आपको पता है कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, बट आप ऐसे मत कर देना कि वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा बेटे, ये चीज़ गलत है। आपने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। वन बाई एक्स पावर फोर को आप लिखोगे ऐसे, एक्स की पावर माइनस फोर, ठीक है बेटे, ओनली फोर, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। अब पावर के अंदर कुछ भी हो तो वो लॉग एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, आपने इसको ऐसे पावर ऊपर लेके करके सोल्व करोगे, एक्स पावर माइनस फोर डी एक्स प्लस 16, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, पावर ऊपर लेके जाओगे, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब सोल्व करो तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस 64, अब प्लस 1 करेंगे, माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, अगेन डायरेक्टली कैसे करेंगे, x का वो होता है 1, लगाओ चैनल लगाओ, फिर प्लस 16, x की बार माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, प्लस c आपने लगाना ही लगाना है। आप देखो इसको सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बनेगा x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस का 64 बाई 3, एक्स की बार माइनस 3, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 16 बाई 1, एक्स की पावर माइनस 1 प्लस सी। इसको पॉजिटिव में कर दो सभी वैल्यूज को, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स माइनस 64 बाई 3 एक्स क्यूब माइनस 16 बाई एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, मैंने क्या किया, पहले ए प्लस बी का होस्क फॉर्म लगाया, फिर इन सभी को सेपरेट कर लिया, कि 1 बाई एक्स पावर 4 को मैंने लिखा एक्स पावर माइनस 4, इसको आप ऐसे मत कर देना लॉग एक्स पावर 4, वो गलत हो जाएगा, ओनली फॉर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का नहीं होता। उसको आपने कैसे करना है, पावर को ऊपर लेके जाओगे, ये बनेगा वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक प्लस करते हैं, जो पावर ऐड करने पर बनता है वो नीचे लिखते हैं, फिर अगेन डेरिवेटिव का करते हैं एक्स का, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या देगा आंसर। ये था एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 3 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिए बेटे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। क्या कहता है देखो, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखो नीचे आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेट करने के लिए आपको नीचे ये वाली टर्म चाहिए, तो ये टर्म बनाने के लिए ऊपर अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है अब वो आई के इक्वल है, ठीक है बेटे। तो एक्स पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर, प्लस 1 को लिख दिया 1 की स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो मैं 2ab ऐड कर देता हूँ, 2x स्क्वायर ऐड करता हूँ अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से 2x स्क्वायर माइनस भी कर देता हूँ, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसी, मैंने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया अपनी तरफ से ऐड, तो माइनस कर दिया 2ab, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे का ऐसे लिखता हूँ, ठीक है बेटे। ये तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है बेटे। क्या बनेगा अब आपके पास, बाकी सारी टर्म सेम लिख लो, तो i इज इक्वल टू ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ऊपर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे तो आगे बाद देखो क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है बेटे। अपॉन में आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। इन सभी का इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की 3 बाई 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर।
इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बेटे बहुत क्वेश्चन सिंपल था, तो एक्स की पावर फोर को मैंने लिखा एक्स स्केयर की स्केयर, इस वन को लिखा वन का स्केयर, तो ये बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी चाहिए था, वो मैंने टू एक्स स्केयर ऐड कर दिया और टू एक्स स्केयर माइनस कर दिया, और ये प्लस का एक्स स्केयर था वो इधर ऐसा कैसे लिखा, ये बना आगे पास फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर क्या होता है माइनस का एक्स स्केयर। अब ये फार्मूला बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म बची आगे पास, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आगे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर थ्री, वन मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर करते हैं फोर्थ। देखो बेटे ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है वो आई के इक्वल है, लेट आई इज इक्वल टू आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखो ए की पावर फाइव लोग एक्स है, ये लोग के पावर लोग के आगे फाइव है, ये जो फाइव है इसके पावर में आ जाएगी, ऐसी फोर इसके पावर में आ जाएगा, ऐसी थ्री इसके पावर में आ जाएगा और टू इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, ए की पावर लोग एक्स की पावर फाइव माइनस ए की पावर लोग एक्स की पावर फोर अपॉन में ए की पावर लोग एक्स पावर थ्री माइनस ए की पावर लोग एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया, बिकॉज कि लोग एम की पावर एन जो होता है वो एन लोग एम के इक्वल होता है, आपको ये चीज़ गिवन दी है, आपने ये चीज़ बना दी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन हो एक साथ आ जाए, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं वो ऑपोजिट फंक्शन होते हैं, तो ई और लोग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आपके पास इधर क्या बचेगा एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर, नीचे आपके पास बचेगा एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास बच गया, अब इसको सोल्व करो। अब ऊपर वाली टर्म के अंदर आपके पास कॉमन आ रहा है एक्स पावर फोर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास एक्स माइनस वन, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस वन। ठीक है बेटे, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर से इसे कैंसिल करके तो बचेगा एक्स स्क्वायर, तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोल्व कर दो, तो आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स की क्यूब बाय थ्री प्लस सी, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। ओके बेटे, ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको आपको बस इसमें आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू को सोल्व करना सीखना है कि इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर फोर, आइए आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव। देखो बेटे सॉल्यूशन, आपको क्या गिवन दिया हुआ है, कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टू कोस एक्स अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो आई के इक्वल है, कि टू कोस एक्स, टू कोस एक्स अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको बताया स्टूडेंट, टू बाई थ्री तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लेते हैं, तो ये बनेगा टू बाई थ्री, ये कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि साइन एक्स इंटू में वन बाई साइन एक्स, एक ही बात है बेटे। अब कोस बाई साइन क्या होता है बेटे, कोस बाई साइन आपके पास होता है बेटे कोट एक्स इंटू में वन बाई साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स। अब कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है क्या होता है, इसको आप इस तरीके से लिख लो टू बाई थ्री कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे, माइनस टू बाई थ्री, ऐसे कैसी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ये ऐसे का ऐसे, ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस आपने जो फार्मूले कल मैंने आपको करवाए थे वो फार्मूले आपने रीड करने हैं, बस उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर फाइव, आइए एग्जाम्पल नंबर सिक्स करते हैं सोल्यूशन। लेट कर लेते हैं ये जो फंक्शन है आई के इक्वल है, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब देखो वन प्लस कोस एक्स बनाना है, तो साइन स्केयर को मैं लिख सकता हूँ बेटे ऐसे वन माइनस कोस स्केयर एक्स। ठीक है बेटे, अब वन को मैं लिख सकता हूँ बेटे ऐसे वन का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला आता है वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए वन प्लस कोस एक्स ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी वन माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स,
फिर अगेन डायरेक्टली एक्स का वन होता है, बोल लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो वन माइनस एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, आपने लगाने ही लगाना है। तो ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे सोल्यूशन क्या कहता है, इवेल्युएट दिस फंक्शन। तो पहले इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं आई के इक्वल है कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब देखो कोस टू एक्स का फार्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या फार्मूला लगा रहा हूं कि टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है बेटे, ये फार्मूला लगाया। ऐसी कोस टू अल्फा का फार्मूला लगा रहा हूं कि टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन में निचली टर्म ऐसे की ऐसी। ठीक है बेटे, अभी को सोल्व करोगे ब्रैकेट को तो आपके पास देखो क्या बनेगा, ये माइनस का वन और ये प्लस का वन क्या हो जाएगा कैंसल। फिर आपके पास बचेगा टू कोस के एक्स माइनस टू कोस के अल्फा, तो इसमें से टू कॉमन ले लोगे तो आपके पास आंसर बचेगा कोस के एक्स माइनस कोस के अल्फा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ये वाला माइनस का वन और ये प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बार माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, इधर फार्मूला लगा दो तो आपके पास क्या बनेगा टू इंटू में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू में कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा अपॉन में क्या आपके पास कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ये दोनों टर्म क्या होगी कैंसल। आपके पास क्या बचा सिर्फ टू इंटू में कोस एक्स प्लस कोस अल्फा का इंटीग्रेशन सोल्व कर दो। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन सोल्व करो जो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ठीक है बेटे, कोस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर एट सोल्यूशन। देखो बेटे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस फंक्शन को आई के इक्वलेट कर लेते हैं कि आई इक्वल टू वन पॉन में वन प्लस साइन एक्स। बेटे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आपने क्या करना है, इसको रैशनली लेके सोल्व करेंगे। तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स, अभी को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा वन माइनस साइन एक्स, नीचे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी को सोल्व करोगे तो ये बनेगा वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स के। अब क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लिया, माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू वन बाई कोस एक्स, ये अलग कर लेते हैं। तो वन बाई कोस स्क्वायर आप एक्स को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटे, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन एक्स, और वन बाई कोस एक्स क्या होता है सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास टेन एक्स, फिर सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास सेकेंड एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। बस बेटे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने कल आपको फार्मूले करवाए थे वो फार्मूले अकॉर्डिंग आपने वो स्टेटमेंट बनानी है ताकि आप उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सको। तो सेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन पता मुझे क्या होता है टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का जो डायरेटिव होता है वो सेकेंड स्केयर एक्स होते हैं, तो सेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स, और सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स किसका डायरेटिव होता है सेकेंड एक्स का डायरेटिव होता है, तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा सेकेंड एक्स के इक्वल होगा। तो आपके पास आंसर आ गया आपके पास टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना होता है, ये आपके पास क्या गया आंसर। ये आ गया आज की एग्जाम्पल नंबर एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ। देखो बेटी एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ सोल्यूशन,
क्या कहता है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप क्या करो, इन दोनों को अलग कर लो, सेपरेट कर लो। सबसे पहले लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेट कर लो। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, सेपरेट कर लोगे। अब इसको लिखोगे 3 बार आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 1 बाई कॉस एक्स सेकंड एक्स और साइन बाई कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है बेटे, अभी इसको सोल्व कर दो। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकंड एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू में सेकंड एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10th। ये आप क्वेश्चन अपन अप करोगे, ठीक है बेटे, डू योर सेल्फ बेटे, अभी करो इस क्वेश्चन को आपने अभी अपने आप करना है। अभी क्वेश्चन करो, मुझे इसका आंसर बताओ कितना आता है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी करके मुझे इसका आंसर बताओ। अगर हिंट लेना है तो मैं बता देता हूँ, कोस 2x का फार्मूला लगाओ। कोस 2x का जो फार्मूला होता है, देखो साइन की फॉर्म में चाहिए, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला फार्मूला यूज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो कितना आता है, जल्दी बताओ कितना आता है। टेन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। देखो बेटे सॉल्यूशन लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फार्मूला लगाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9th। ये भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट आप अपने आप करो, जल्दी करो। इसमें आपको हिंट देता हूँ, देना है तो दोनों को पहले सेपरेट कर लो, सेपरेट करके सोल्व करो, जल्दी करो बेटे, बताओ कितना आंसर आता है। 9th आप बताओगे आंसर। 9th आवाज सुन रहे हो मेरी, जल्दी से इसको सोल्व करो और आंसर बताओ, सेपरेट कर लो दोनों को, साइन क्यूब एक्स का अलग कर लो, कोस क्यूब एक्स का अलग कर लो, फिर सोल्व करो कितना आता है। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को, जल्दी करो बेटे। यस यस सही है बिल्कुल। देखो बेटे लेट कर लेते हैं, फंक्शन आई की इक्वल है, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर से कैंसिल करेंगे ऊपर साइन एक्स बचेगा, इधर कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस एक्स बचेगा। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स डीएक्स, डीएक्स क्यू लगाना है अपने साथ में बेटे, प्लस ऊपर बचेगा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में 1 बाई साइन एक्स डीएक्स। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या वैल्यू बनेगी, आई इज इक्वल टू 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स
डीएक्स प्लस इधर बनेगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, क्योंकि वन बाई साइन कोसिकेंट होता है, कोस बाई साइन क्या होता है कोट होता है। अब सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सिकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, तो माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी आपने लगाना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ट्वेल्थ नंबर एग्जाम्पल देखो बेटे, इसका सोल्यूशन लेट कर लेंगे, ये जो फंक्शन है आई के इक्वल है, तो देखो बेटे ये भी इन दोनों फंक्शन को हम करते हैं सेपरेट करके लिख लेते हैं कि साइंस केयर एक्स अपॉन में साइंस केयर एक्स इंटू कोस केयर एक्स माइनस कोस केयर एक्स अपॉन में साइंस केयर एक्स इंटू में कोस केयर एक्स, दोनों तरफ डी एक्स आपने लगाना ही लगाना है, कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता है तो आई की वैल्यू क्या आएगी वन बाय कोस केयर एक्स डी एक्स माइनस वन बाय साइंस केयर एक्स डी एक्स, तो वन बाय कोस केयर एक्स को लिख लो सेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस वन बाय कोस साइंस केयर क्या होता है कोसेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स। अब इसका फार्मूला लगा दो, सेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे सेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस कोसेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे आपके पास माइनस का कोट एक्स, ए प्लस का बन जाएगा कोट एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो बेटे, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटे, सबसे पहले हम इस फंक्शन को आई के लिए इक्वल कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इसके अंदर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा। कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, इधर फार्मूला लगाओ आई इज इक्वल टू कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्म लगाया कि साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, आगे माइनस भी होता है अपॉन में वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटे। देखो बेटे, कोस टू एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है वन माइनस टू साइन स्केयर एक्स। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ से वन माइनस कोस एक्स का जो फार्मूला बनाओगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा टू साइन स्केयर एक्स बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखो वन माइनस कोस एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे टू साइन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है बेटे, अभी को सोल्व करते हैं। अब देखो ये बनेगा माइनस का एक्स बाय टू, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस टू साइन थ्री एक्स बाय टू इंटू, ये माइनस का साइन थीटा बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, ये बनेगा साइन एक्स बाय टू अपॉन में टू साइन स्केयर एक्स बाय टू। ये टू से टू क्या हो जाएगा बेटे कैंसल, ये साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा बेटे कि ओनली फोर आई इज इक्वल टू कि साइन थ्री एक्स बाय टू इन अपॉन में साइन एक्स बाय टू डी एक्स। ओके बेटे, ये आपके पास बचेगा, तो मैं आप इधर फार्मूला लगा रहा हूँ। देखो बेटे, साइन थ्री एक्स बाय टू था तो इसके अंदर फार्मूला लगाऊंगा साइन थ्री एक्स का, क्या फार्मूला था साइन थ्री एक्स का, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो थ्री एक्स को मैंने ऐसे लिखा थ्री इंटू एक्स बाय टू, इसको आप थीटा भी लेट कर सकते हो, एंगल ए भी लेट कर सकते हो, तो साइन थ्री का फार्मूला लगा दो तो इधर क्या बनेगा थ्री साइन एक्स एक्स बाय टू बनेगा माइनस फोर साइन क्यूब एक्स बाय टू अपॉन में आपके पास क्या है साइन एक्स बाय टू, ये सेपरेट करके लिख देता हूँ, साइन एक्स बाय टू अलग कर लिया, इधर भी साइन एक्स बाय टू अलग कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे इधर का पावर क्या जी टू, तो आपके पास क्या बचेगा थ्री डी एक्स माइनस फोर बार आ जाएगा साइन स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स। ठीक है बेटे, तो थ्री का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे
3 का इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 3x माइनस 4। अब साइन स्केयर का इंटीग्रेशन नहीं होता बेटे, अब आपने क्या करना है, साइन स्केयर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप इधर इसको चेंज करो। आप देखो साइन स्केयर x बाय 2, अभी मैंने आपको बार बार बताया था कि साइन स्केयर x बाय 2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस एक्स बाय 2। साइन स्केयर x बाय 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस एक्स बाय 2। अब देखो बेटे इधर फार्मूले के अंदर क्या है, साइन स्केयर x बाय 2 है, इसकी जगह पे हम वैल्यू लिख रहे हैं। देखो आपके पास 4 था तो इसको 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो साइन स्केयर x बाय 2 आएगा तो ये बनेगा 1 बाय 2, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, इसको कैंसिल कर दो 2 आएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, ये 3x ऐसे कैसी माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी ऐसा कैसी। आप इसको सोल्व कर दोगे तो 3x माइनस 2x प्लस का 2 साइन एक्स प्लस सी, अभी को सोल्व कर दो तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, i इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x कितना हो जाएगा, x प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट कराता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, कि आपको क्वेश्चन दिया होता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x, तो मैंने किया ऊपर फार्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, तो इसको सोल्व किया और 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है बेटे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मैंने कहा माइनस का x बाय 2 मतलब sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा किसके होता है माइनस sin थीटा के, तो ये बाहर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x बाय 2 से sin स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर आपके पास हो जाएगा sin 3x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2, 3x बाय 2 को माइनस लिखा, 3x बाय 2 को जैसे लिखा 3 इंटू x बाय 2, तो sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin x 4 sin क्यूब x, ये वैल्यू को मैंने लिखा और मैंने सेपरेट भी करके लिख दिया कि sin x बाय 2 अलग कर दिया, तो इसको कैंसिल करके ये टर्म बनेगी, sin स्क्वायर x बाय 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस cos x बाय 2, तो इसको सोल्व करते हुए इंटीग्रेशन सोल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया i इक्वल टू एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने, ठीक है बेटे, ये था एग्जांपल नंबर 13 जो आपने मेरे से डिस्कस किया। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने अपने घर से अपने आप करके लेके आने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो बेटे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14, ये जो क्वेश्चन है बेटे इसका जो सोल्यूशन है वो आपने अपना करना है डू योर सेल्फ। इसका मैं उसका आंसर बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा बेटे आंसर लिख लो, इसका आंसर आएगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन आपने अपना करना बेटे। ठीक है बेटे, इसका एक बात एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मैं हिंट देता हूँ, रैशनलाइज लेके करोगे, 1 प्लस साइन एक्स है या इसको रैशनलाइज लेके सोल्व कर देना, या इसको आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो बेटे सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ, देखो बेटे कैसे करना है, लेट कर लेते ये फंक्शन आई के इक्वल है, लेट आई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, अब देखो 1 है, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस स्केयर एक्स बाय 2, मैंने आपको प्लस 1 के अंदर ये चीजें कराई हुई है बेटे, कि 1 को लिखेंगे कोस एक्स स्केयर बाय 2 प्लस साइन स्केयर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स को कैसे लिखोगे, 2 कोस एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, साइन 2x का फार्मूला होता है वो फार्मूला लगाया मैंने इधर सेम नीचे ऐसे कैसे, कोस स्केयर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्केयर एक्स बाय 2 प्लस 2 कोस एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, ठीक है बेटे, इंटू में डी एक्स। अब ये फार्मूला बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का कोस स्केयर का, तो अभी देखो स्केयर से रूट क्या कर देंगे कैंसिल, ये बनेगा कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कोस एक्स बाय 2, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है बेटे, अब आपको मैंने बताया था जब भी आगे फॉर्म बन जाए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए, तो आप क्या करोगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोस ए से डिवाइड करते होते हैं, तो देखोगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टैन इनवर्स, तो कोस ए से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा, कोस एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू अपॉन में कोस एक्स बाय टू, ऐसे डिनोमिनेटर में कोस एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन में कोस एक्स बाय टू। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल तो आपके पास क्या बनेगा, टैन इनवर्स वन माइनस टैन एक्स बाय टू अपॉन में वन प्लस टैन एक्स बाय टू, क्योंकि साइन पॉन कोस क्या होता है, टैन एक्स होता है। अभी ये फार्मूला बन गया वन माइनस टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन एक्स, किसके लिए होता है, टैन 45 डिग्री प्लस थीटा के, तो ये बनेगा टैन इनवर्स, अभी किसका बन गया, टैन 45 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाय टू। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, टैन से टैन कैंसिल, तो आई की जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी 45 डिग्री माइनस एक्स बाय टू। ठीक है बेटे, अभी सोल्व कर देंगे, 45 का मतलब पाई बाय फोर होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, माइनस वन बाय टू कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, अभी का सोल्व कर दो तो पाई बाय फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था 15 नंबर एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 जो 2 मार्क्स के अंदर आपके पास पेपर के अंदर आ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।